नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में यानी क्रैश कोर्स क्लास सेवन रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट सो ये जितने भी क्रैश कोर्स के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं और आपको इन सभी क्ला, मतलब जो क्वेश्चंस को या सभी क्लासेस को आपको फॉलो भी करना है जहां से कि आपका जो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट 29 तारीख को होने वाला पेपर है वो बहुत अच्छी तरह से हो पाए यही हम भी आशा करते हैं सो so, आज की जो क्लास है क्रैश कोर्स सेवन वो हमारी आज की लास्ट क्लास है जिसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पीडब्ल्यू का जिसको आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और यहां पर मैं आपके साथ जुड़ूंगा आपके क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगा आपको जहां भी रिक्वायरमेंट होगी आपकी हेल्प और मदद के लिए हम उपलब्ध रहेंगे सो so, दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अरविंद सर पीडब्ल्यू जी ए आई बी सी आई बी वाला ठीक है और क्यू आर भी आप स्कैन कर सकते हैं जिससे आसानी से आप मेरे साथ जुड़ जाएं ठीक है दोस्तों चलिए तो को क्लास को स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स क्लास सेवन है दोस्तों ये ये क्लास क्रैश कोर्स क्लास कौन सी है सेवन ठीक है सो so, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट चलिए पहला क्वेश्चन कहता है वॉट डिस्टिंग कन्वर्टेबल बॉन्ड फ्रॉम कन्वर कन्वेंशनल बॉन्ड इज अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट टू आ पोटेंशियल इन्वेस्टर तो आपको बताना है कि जो कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं उसके बारे में से कौन सा कथन सत्य है अगर मोटे तौर पे देखा जाए कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफर मोर अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट कन्वर्टेबल बॉन्ड है इक्विटी शेयर और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर इशूड बाई कंपनी हाई क्रेडिट रेटिंग सो पहला ऑप्शन वो ये कह रहे हैं कि इस पर आपको ब्याज ज्यादा मिलता है दूसरे ऑप्शन में वो कह रहे हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड एक फिक्स मेचोरिटी डेट का होता है तीसरा कह रहा है कन्वर्टेबल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिन्हें आप भविष्य में इक्विटी स्टॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं चौथा वो कह रहा है कि कन्वर्टेबल बॉन्ड सिर्फ वही कंपनियां जारी करेंगी जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी तो कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें तो कन्वर्टेबल बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनके पास ऑप्शन होता है कन्वर्ट होने का किसमें इक्विटी शेयर में किसमें कन्वर्ट किस होने का इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होने के ऑप्शंस होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड कहते हैं ठीक है दोस्तों सो so उन्हें हम क्या कहते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड कहते हैं अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो सी है सो अ कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ फिक्स इनकम कॉरपोरेट डेप्ट फिक्स इनकम का मतलब होता है जिसपे इंटरेस्ट रेट क्या इंटरेस्ट रेट आपको क्या मिलेगा फिक्स मिलेगा क्या मिलेगा इंटरेस्ट रेट आपको फिक्स मिलेगा सिक्योरिटी दैट ईल्ड इंटरेस्ट पेमेंट बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्री डिटर्माइंड नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स और इक्विटी शेयर्स ठीक है दोस्तों सो आ कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफर्स इन्वेस्टर टाइप ऑफ हाइब्रिड सिक्योरिटी यानी आप सबसे पहले जो पैसा लगाते हैं वो डेप्ट में लगाते हैं इसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी में और जब दो कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे तो ऐसी सिक्योरिटीज को हम लोग क्या कहते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटीज दैट हैज फीचर ऑफ अ बॉन्ड सच एज इंटरेस्ट पेमेंट वाइल ऑल्सो हैविंग अ ऑप्शन टू ओन द अंडरलिंग स्टॉक्स सो आपको इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है बाद में आप किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं इक्विटी शेयर में ठीक है ना नेक्स्ट क्वेश्चन आ कस्टमर वॉन्ट टू ओपन अ स्मॉल सेविंग अकाउंट एक स्मॉल सेविंग अकाउंट कस्टमर खोलना चाहता है एंड इस इंक्वायरिंग अबाउट आ डिस्टिंग डिस्टिंक्टिव एस्पेक्ट ऑफ दिस अकाउंट टाइप सो वॉट इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस अकाउंट यानी जो स्मॉल सेविंग अकाउंट है इसका फीचर इनमें से कौन सा होगा क्या आपको स्मॉल सेविंग अकाउंट पर हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है क्या आप नंबर ऑफ क्रेडिट नो लिमिट ऑन क्रेडिट्स, आप कितने भी क्रेडिट्स कर सकते हैं लिमिटेड विदड्रॉल्स होंगे या मंथली मेंटेनेंस फीस आपको पे करनी होगी तो जो स्मॉल सेविंग अकाउंट होगा वो आपको लिमिटेड विड्रॉल्स का ऑप्शन देता है यही एक फीचर है क्यों क्योंकि जब भी आप स्मॉल सेविंग अकाउंट की बात करेंगे तो ये वो अकाउंट है जो आपको मोटिवेट करता है आपको सपोर्ट करता है आपको हेल्प करता है कि आप अपनी सेविंग को इंक्रीज कर पाए ना कि करंट uh, अकाउंट की तरह नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा कर पाए यानी विड्रॉल्स ज्यादा कर पाए सो so, सही आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है नाउ अ कस्टमर वॉन्ट टू ओपन अ स्मॉल सेविंग अकाउंट एंड इट्स यून अबाउट डिस्टिंगटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस अकाउंट इज अकाउंट टाइप वॉट इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस अकाउंट इज अ लिमिटेड विडड्रॉल ठीक है सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका लिमिटेड विदड्रॉल हो जाएगा तो स्मॉल सेविंग अकाउंट ऑपन करता है रिस्ट्रिक्शंस नंबर ऑफ विड्रॉल पर और ट्रांजेक्शन पर जो कि स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको अलाउड किए जाते हैं है ना विच इज टिपिकली लोअर देन द रेगुलर सेविंग अकाउंट सो रिस्ट्रिक्शंस आर इन प्लेस टू इनकरेज अकाउंट होल्डर टू सेव ओवर अ लॉन्ग

फर्स्ट वन आधार कार्ड पासपोर्ट और वोटर आईडी डी सो आपको हम बता दें ये तीनों ही आपके क्या है डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं जो कि के के तहत वैलिड माने जाते हैं सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दीस हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों नन ऑफ दीस इज द करेक्ट आंसर सो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आपको हमेशा ये जो स्टेटमेंट होता है जब आप किताब पढ़ते हैं या आप कहीं भी पढ़ रहे होते हैं अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो सिंपल आपको ओवीडी लिख के आता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स ठीक है और के पर्पस के लिए जो होते हैं, वो पासपोर्ट भी होता है ड्राइविंग लाइसेंस होता है वोटर आईडी कार्ड होता है पैन कार्ड आधार कार्ड है ना? आधार लेटर यू आई डी एंड जॉब कार्ड इशूड बाय द नरेगा अब इसको हम लोग क्या कहते हैं मनरेगा क्या कहते हैं मनरेगा मनरेगा साइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल सो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर वैलिड डॉक्यूमेंट अंडर आर बी आई गाइडलाइंस अब एक सिंपल क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में भी आया था इसीलिए मैंने आपको पी वाई क्यू क्वेश्चन करा रहा हूं यानी ये पिछले जैसे अभी तो ये रिटेल बैंकिंग आपके जे एग्जाम में आ गई इसके पहले रिटेल जो बैंकिंग थी वो आपके सी ए में एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था वहां से भी सो so ये जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं वट इज द लोन टू वैल्यू है हाँ ना एल टी बी रेशियो फॉर हाउसिंग लोन एक्सीडिंग रुपीज़ फिफ्टी लैख अब देखो पहले तो ये समझो दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए एक तो मार्जिन मार्जिन आपको पता होना चाहिए और मार्जिन के आधार पे आप एल टी बी निकाल सकते हैं क्या निकाल सकते हैं एल टी बी यानी या तो आपको मार्जिन पता हो या तो एल टी बी पता हो अगर ये पता है तो आप दूसरी चीज आसानी से निकाल लोगे जैसे जब भी हम होम लोन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं होम लोन की तो होम लोन का जो मार्जिन है वो क्या है कि अगर आप तीस लाख रुपए तक का होम लोन लेते हैं तो आपका जो मार्जिन होता है वो दस प्रतिशत होता है तीस लाख ,00 से आप अगर पिचत्तर लाख ,00 रुपए तक का लोन लेते हैं पिचत्तर लाख लाख का लोन लेते हैं तो मार्जिन यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट होता है और अगर आप पिचत्तर लाख रुपए से ऊपर का लोन लेते हैं प्लस कर दे रहा हूँ तो आपका मार्जिन ट्वेंटी फाइव परसेंट होता है अब मार्जिन वो अमाउंट होता है जो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी अगर आप लोन लेंगे तो उसका दस परसेंट आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा अगर आपका लोन ये है अगर आपका लोन ये है तो बीस परसेंट का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और अगर आपका लोन ये है तो आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा अब यहां पे इन्होंने पूछा है कि आपका जो लोन है वो पिछहत्तर लाख से ऊपर का है तो यहां पे जो आपका मार्जिन है वो 25 परसेंट है सो रेस्ट क्या बचा सेवेंटी फाइव परसेंट वो अमाउंट होगा जो बैंक आपको क्या करेगा फाइनेंस करेगा तो जब अगर बैंक आपको फाइनेंस करेगा तो वो पिछहत्तर लाख रुपए तक या पिछहत्तर तक फाइनेंस करेगा ठीक है सो आपको जो पिचहत्तर लाख का होम लोन है उस पर जो आपका एल होगा वो कितना होगा पिछहत्तर प्रतिशत So, आपका यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा वो 75 परसेंट ठीक है दोस्तों so, और एल ये दोनों चीज याद रखिएगा और यहां से या ऑटो लोन से एक क्वेश्चन जरूर ऐसा पूछा जा सकता है सो द करेक्ट आंसर इज सेवेंटी परसेंट और ये किस आधार पर है आपके एल के आधार सॉरी मार्जिन के आधार पर क्रेडिट स्कोर अब कंसिडर्ड गुड बाय बैंक बैंक के द्वारा इनमें से वो कौन सा क्रेडिट स्कोर है जितना अगर आपके पास है या उससे ऊपर है तो आपका एक अच्छा गुड क्रेडिट स्कोर समझा जाएगा तो आप सभी को पता है कि जो क्रेडिट स्कोर होता है क्रेडिट स्कोर वो अमूमन मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो 300 से 900 हंड्रेड के बीच में आपको प्रोवाइड करती हैं ठीक है और मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी क्रेडिट का कांटा 300 की तरफ जाएगा इसका मतलब ये पुअर की तरफ जा रहा है और अगर यही कांटा 900 की तरफ जाएगा मतलब आपका एक्सीलेंट की तरफ जा रहा है तो अब आपको बताना है गुड अभी तो मैंने पुअर और एक्सीलेंट बताया बट आपको बताना है गुड तो 700 मैक्सिमम बैंक क्या करते हैं 700 या उससे ऊपर का जो क्रेडिट स्कोर होता है 700 से वो गुड की क्रेडिट रेटिंग मानना शुरू कर देते हैं तो आपका सही आंसर 700 होगा देखिए सिविल स्कोर की अगर हम बात करें छ से छ है सो वो डिफॉल्ट डाउटफुल होता है डिफिकल्ट होता है थोड़ा लेकिन अगर जैसे छ से नौ सॉरी सात छह सौ निन्यानबे तक आएंगे तो सैटिस्फेक्सरी हो जाएगा पॉसिबल है आपका लोन अप्रूव हो जाए सात सौ से सात सौ उनचास गुड माना जाता है यानी गुड क्रेडिट स्कोर है और अगर सात सौ पचास से नौ सौ के बीच में है तो वेरी हाई यानी हंड्रेड परसेंट आपका लोन अप्रूव हो जाएगा ठीक है अगर कोई और डिफॉल्ट नहीं है तो इफ आ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट यूटिलाइज अ कस्टमर्स चेक विद विदड्रॉल विदाउट द अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन हु द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिमबर्सिंग टू दस्टमर अगर आप विद विद प्रायर मतलब अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन के अगर ये जो चेक यूज करता है डीएसए तो यहां पर पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी क्योंकि डीएसए को कौन अपॉइंट करता है बैंक करता है ठीक है कौन करता है बैंक ठीक है दोस्तों चलिए तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर द अकाउंट ऑफ बोरोर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ एस एम ए टू सो वॉट डस डेजिग्नेशन मीन्स एस एम ए टू का मतलब क्या है तो आपने देखा होगा कि जब तक आप लोन पे करते हैं तो जब आपको जिस तारीख को लोन पे करना होता है, उसे ड्यू डेट कहते हैं अगर आप अपना पैसा ड्यू डेट तक पे कर रहे हैं तो आप बैंक के लिए कहलाते हैं स्टैंडर्ड एसेट्स क्या कहलाते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड एसेट्स ठीक है लेकिन अगर आप इसके बाद यहाँ पे अगर डिफॉल्ट करते हैं तो आपको फिर दिए जाते हैं 90 डेज और ये जो 90 डेज का समय होता है ये होता है एस एम कैटेगरी स्पेशल मेंशन अकाउंट ठीक अगर इसमें भी आपने पैसा नहीं दिया तो आप फिर चले जाएंगे एनपीए में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो जो एस का टाइम पीरियड होता है वो जीरो से नाइन्टी डेज का होता है ठीक अब एस की अगर हम बात करें तो एस तीन कैटेगरी में बटा होता है एस एम ए जीरो एस एम ए वन और एस एम ए टू सो ऐसे में जीरो होता है जीरो से तीस दिन ऐसे में वन होता है इकतीस से साठ दिन और ऐसे में टू होता है इकसठ से नब्बे दिन ठीक है दोस्तों ये डेज हैं, सो so, आप आसानी से अब आइडेंटिफाई कर पाएंगे इनमें से कोई भी पूछ ले आपसे तीनों में से कोई भी पूछ ले चारों में से तो आप आंसर लगा दोगे ठीक है दोस्तों तो यहां पे जो आपसे पूछा गया एस एम तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो इकसठ से नब्बे ओवर ड्यू पीरियड इज बिटवीन टू बिटवी डेज कम्स अंडर एस एम ए टू सो द करेक्ट आंसर इज सी सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है दोस्तों नाउ वाइल वाइट लेवल ए टी एम आर रिक्नाइज फॉर देयर कैपेसिटी टू ऑफर कैश विड्रॉल एंड डिपॉजिट सर्विस देयर बाय द कन्वीनियंस फॉर द कस्टमर्स हु लैक कन्वीनियंट एक्सेस टू द ट्रेडिशनल बैंक ब्रांच यानी ऐसे कस्टमर जिनको बैंक ब्रांच ट्रेडिशनल नहीं मिल पा रही है थोड़ी दूर है तो वहाँ पे वाइट लेवल एटीएम को पहुँचाया गया है जिससे कि कस्टमर पैसा विड्रॉल कर पाएँ और डिपॉजिट कर पाए तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्विस हैं वो इनहेंस हुई हैं डिटोरेटिंग हुई हैं या Obsessed, हुई है या कॉम्प्लिकेटिंग हुई है तो जब आपको कोई सुविधा पहुंचाई जाती है तो वो हुई है क्या सर्विस इनहेंस की गई है यानी जो आपका आंसर होगा वो यहां हो हो है नाउ अगला क्वेश्चन है पोर्टफोलियो ऑफ मॉडगेज सिक्योरिटीज इज बीसिडर्ड फॉर सिक्योरिटाइजेशन बाय बैंक ठीक है द्वारा ठीक है सिक्यूटाइजेशन फॉर दिस सिक्यूटाइजेशन दे मस्ट डिटरमाइन द मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट यानी एमएमआर सो व्हाट एलिमेंट्स शुड बी बैंक टेक इनटू अकाउंट व्हेन कैलकुलेटिंग द एमएमआर फॉर दी सिक्योरिटीज तो आपको बताना है कि वो कौन से एलिमेंट हैं जो बैंक यहाँ पर ध्यान में रखता है जब भी कैलकुलेट करता है मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट आपको जो हाउस प्रॉपर्टी या मॉडगेज है उसको कितने समय तक आपको रिटेन करना पड़ेगा सो मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट की बात की गई है आपको एम एम आर की रिगार्डिंग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे पहला कहता है द सिक्योरिटीज़ मार्केट वैल्यू द सिक्योरिटीज क्रेडिट रेटिंग इंक्लूड मॉडकेज प्रोडक्ट टाइप ठीक है प्रोडक्ट टाइप वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज़ इनिशियल लोन तो सही आंसर आपका सी हो जाना चाहिए दोस्तों है ना इंक्लूड मॉडगेज प्रोडक्ट टाइप ठीक है इस पर ध्यान दिया जाएगा द टाइप ऑफ मॉडगेज इंक्लूड इन पोर्टफोलियो सच एज रेजिडेंशियल और कमर्शियल मॉडगेज सो दे आर कैरेक्टरिस्टिक सच एज लोन टू वैल्यू रेशियो कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द एम एम आर कैलकुलेशन सो यहाँ पे अगर चूंकि लोन टू जो वैल्यू होता है एलटीबी होता है अगर आपका रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगे जो कि आपकी एमएमआर कैलकुलेशन को भी प्रभावित करेंगे सो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाइड डिफरेंट रिटेंशन रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ़ द अंडरलिंग मॉडगेज सो जो भी मॉडगेज है उसमें जो भी आ, मतलब रिस्क है या टाइप कैसा है मॉडगेज का उस आधार पे यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाएंगी एमएमआर को कैलकुलेट करने की नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलिंग डज नॉट कम अंडर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक तो इनमें से वो कौन सी सर्विस है जो वेल्थ मैनेजमेंट में नहीं आती है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दूसरी होती है टैक्स प्लानिंग तीसरी है रिटेल बैंकिंग चौथी है स्टेट प्लानिंग तो यहां पे साफ साफ आप देखेंगे अगर क्वेश्चन भी नहीं होता तो ऑड वन के थ्रू भी आप रिटेल बैंकिंग को छाट सकते हैं रिटेल बैंकिंग इज नॉट कम अंडर द वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस जहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है कि किसी भी अफ्लुएंट पर्सन या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की जो संपत्ति होती है उसको एक्सपर्ट जो मार्केट एक्सपर्ट होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हेल्प करते हैं चाहे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हो चाहे उनकी वो टैक्स प्लानिंग हो चाहे स्टेट प्लानिंग यानी आपका पैसा अगर आप अफ्लुएंट हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आपका पैसा सुरक्षित रखा जाए तो उसे स्टेट प्लानिंग कहते हैं सो so ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर यहां पे सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज क्या है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है टैक्स प्लानिंग है स्टेट प्लानिंग है अदर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल सर्विस टेलर टू द क्लाइंट वेल्थ एंड फाइनेंशियल गोल बट रिटेल बैंकिंग अगर दूसरे हाथ पे हम देखें तो एक ब्रॉडर बैंकिंग सर्विस है जो कि कैटर करती है जनरल पब्लिक को और जनरल पब्लिक में भी इंडिविजुअल कंज्यूमर को इंडिविजुअल कस्टमर्स को ठीक है दोस्तों डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करती है जिसमें आपके लाइबिलिटी प्रोडक्ट भी आ जाते हैं जिसमें आपके एसेट्स प्रोडक्ट भी आ जाते हैं और अदर प्रोडक्ट्स जैसे रेमिटेंसेस या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जैसी सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाती हैं। सो so, एक इंडिविजुअल कस्टमर को जिन सर्विसेज की जरूरत पड़ती है अपने बैंकिंग में वो सभी सर्विसेज रिटेल बैंकिंग के तहत इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोवाइड की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन विच पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइस वेन अ पर्सन रिसीव अ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव सपोज आप मेरे भाई हैं और आपको अगर मैं कोई संपत्ति देता हूँ या आप मुझे कोई संपत्ति गिफ्ट के तौर पर देते हैं तो इनमें से कौन सा इन में से कौन सा इनकम टैक्स का एक्ट काम करेगा सो so, गिफ्ट पे हमेशा जो एक्ट काम करता है वो सेक्शन फिफ्टी टू सिक्स या सेवन काम करता है फिफ्टी सिक्स टू सो याद रखिएगा गिफ्ट के लिए फिफ्टी सिक्स काम करेगा ठीक है दोस्तों सो so, यहां पे आप अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं क्या ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं किसी को या प्लॉट ट्रांसफर करते हैं या प्लॉट सो so, वहां पे जो आपको टैक्स काम करेगा वो फिफ्टी फोर जीबी काम करेगा वहीं पर सेक्शन फिफ्टी सिक्स टू आपको गिफ्ट गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट के ऊपर जो टैक्स का प्रावधान है गिफ्ट के ऊपर जो टैक्स का क्या है प्रावधान है उसका यूज होता है यहां पर ठीक है दोस्तों प्रावधान है और वहीं पर 44 एडी की अगर हम बात करें तो 44 एडी दो केस में काम करेगा पहला प्रोफेशन ग्रॉस रिसिप्ट शुड बी लेस देन और इक्वल इक्विवेलेंट टू 50 लैख तो जो प्रोफेशन का ग्रॉस रिसिप्ट जो प्रोफेशन से जैसे डॉक्टर इंजीनियर जिनने भी ग्रॉस इनकम 50 लाख या उससे कम की है तो वहां पे 44 एडीए के तहत काम होगा और आईटीआर टी आर द टैक्स पेयर मस्ट रिकॉर्ड 50 परसेंट मोर द ग्रॉस रिसिप्ट ठीक है सो जो ग्रॉस रिसिप्ट होगी वहां पर आपको किसका या, काम हो जाएगा 44 फोर ए का और 54 फोर जी बी किस लिए काम करता है ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और प्लॉट री इन इक्विटी शेयर फॉर एलिजिबल कंपनीज ठीक है दोस्तों नाउ कंज्यूमर बेसिस टू यूज एन ई एफ टी टू सेंड मनी टू अ बडी अपने दोस्त को एन ई एफ टी से पैसा भेजना चाहता है रिगार्डिंग एन ई एफ टी ऑपरेटर एन एंटायर फॉर्म ही इज अनश्योर उसे नहीं पता कुछ भी कि एन एफ टी कैसे होगा सो वॉट इज द बैंक एम्प्लॉय सपोज टू से अब बैंक एम्प्लॉय उनको क्या बताएगा कि एन ई एफ टी है क्या तो पहला ऑप्शन उन्होंने दिया कि एन ई एफ टी आर बी आई एन ई एफ टी एन एन पी सी आई नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सेबी और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इर्डा तो आप सभी को पता है कि जो आरटीजीएस होता है क्या आरटीजीएस और जो एनईएफटी होता है ये दो आपके क्या है सीपीएस पी एस है सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है और सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम को कौन रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आरबीआई ठीक है दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है फुल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन क्या कहता है अ फार्मर आस्क द बैंक अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ठीक है इन हिज अप्रोच सो व्हाट इज द मेन गोल ऑफ दिस प्लान है ना एक किसान ने क्या किया किससे बात की बैंक से बात की, की प्रधानमंत्री आवास योजना पी एम ए वाई पी एम ए वाई ग्रामीण के बारे में है ना तो उन्होंने यह पूछा है कि इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेन अप्रोच क्या है वॉट इज द मेन गोल प्रमोटिंग डिजिटल लिटरेसी इन रूरल एरिया ऑफरिंग फार्मर्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इरीगेशन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पक्का हाउस कंस्ट्रक्शन इन्हेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है हाउसिंग फॉर ऑल और इसी स्कीम को उन्होंने दो फॉर्म में स्टार्ट किया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जहाँ पे अर्बन पुअर्स को रखा जाएगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जहाँ पे रूरल जो गरीब लोग हैं उनको रखा जाएगा अब उसमें अलग अलग कैटेगरी है सी ये सब आ जाते हैं सब लोग भी हैं जो अब प्रधानमंत्री आवास योजना अगर आप देखें तो ये जो ग्रामीण और अर्बन है ये ऑलरेडी चल रही थी जो शहर में गरीबों के लिए मकान प्रोवाइड किया जा रहा था वो राजीव गांधी आवास योजना के तहत किया जा रहा था और गांव में जो मकान प्रोवाइड किए जा रहे थे वो इंदिरा आवास योजना के तहत प्रोवाइड किए जा रहे थे उन्हीं का रिफॉर्म जो वर्जन है वो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और ग्रामीण है ठीक है अब इसके तहत थोड़ा सा अगर आप देखो तो इनिशिएशन बहुत अच्छा लिया गया जिसके तहत बहुत सारे लोगों को मकान मिले भी हैं ठीक है सो so, अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें तो हाउसिंग फॉर ऑल सभी को घर की आवश्यकता है और सभी को घर प्रोवाइड किया जाए उसके लिए स्कीम काम कर रही है तो यहां पे जो सही आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पक्का हाउस कंस्ट्रक्शन पक्का ऐसे भी लिख सकते हैं पक्का है ना और ऐसे भी लिख सकते हैं तो जो आपको सही लगे वो आप लिख लीजिएगा बट आप ये समझ लीजिए कि गारा लगा के जो पक्का हाउस बनता है वो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रोवाइड किया जा रहा है सो so, ग्रामीण जो स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई 2015 में इंदिरा आवास योजना इंदिरा आवास योजना हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड इन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण इन 2016 गवर्नमेंट कमिटमेंट टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल सभी को घर देना बेस्ड ऑन द प्रधानमंत्री आवास योजना डेटा सेंट्रल गवर्नमेंट पे 60 परसेंट सिक्सटी परसेंट का जो योगदान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और 40 परसेंट का स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी मैनी राज बहुत सारे राज्यों में लेकिन अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की तो वहाँ पे 100 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी हिली एरियाज में अगर हम बात करें तो वहाँ पे 90 परसेंट तक कितना परसेंट तक नाइन्टी तक सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी दस परसेंट की राज्य सरकार को करना पड़ेगा जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह है जो हिली स्टेट है वहाँ पे वट इज द इक्वेशन यूज टू डिटरमाइन ऑपरेशनल प्रॉफिट अगर आपको ऑपरेशनल प्रॉफिट निकालना है तो इनमें से कौन सी इक्वेशन काम करेगी तो पहले निकाल के देख लेते हैं सबसे पहले आपको निकालना पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकालना पड़ता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ता है और जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तो जो टोटल रेवेन्यू है या टोटल सेल है जो टोटल सेल है उसमें से आप क्या घटा देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो सामान बिका उसको बनाने में जो कॉस्ट आई वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और टोटल इनकम ठीक है जो भी सेल हुआ तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया अब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे क्या निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे क्या निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आपका आएगा उसमें से आपको क्या घटाना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या घटाना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको घटाना पड़ेगा ठीक है दोस्तों और फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो जब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा तो आप निकाल पाओगे अपना नेट प्रॉफिट क्या निकाल पाओगे नेट प्रॉफिट अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट निकलेगा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका अगर आप इसी में मार्जिन निकालना चाहें तो आपको सब में क्या करना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट में आपको टोटल सेल से डिवाइड करोगे तो ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा ठीक है दोस्तों याद रखिएगा ठीक ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर टोटल सेल का भाग दे दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा नेट प्रॉफिट में अगर आप टोटल सेल से भाग दे दोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा ठीक है दोस्तों याद रखिएगा ये यह फॉर्मूला यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा बस एक क्वेश्चन बनाएगा मतलब उसके ऊपर पूरी केस स्टडी पूछ लेगा तो यहां पे देखिए यहां पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए जो आंसर चाहिए वो आपका बी ऑप्शन होगा क्या होगा दोस्तों बी ऑप्शन क्या होगा बी इज द करेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस एडवांटेज टू इनहेंस वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सो वॉट आर द मेन बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस यूजिंग द ट्रेड्स प्लेटफॉर्म सो जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ये आप सभी को बताना है वट इज द मेन प्रॉफिट ऑफ ट्रेड्स सो पहला है लोअरिंग द रिस्क असोसिएटेड विथ क्रेडिट एंड एनेबलिंग फास्टर पेमेंट ठीक अचीविंग रिड्यूस इंटरेस्ट रेट ऑन लॉन्ग टर्म लोन ग्रांटिंग एक्सेस टू पॉसिबिलिटीज फॉर इक्विटी फंडिंग और एक्सपेंडिंग ऑपरेशन इन टू इंटरनेशनल मार्केट आपका जो ऑपरेशन है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सटेंड करने के लिए ट्रेड्स का यूज किया जाता है है ना गेनिंग एक्सेस टू पॉसिबिलिटीज फॉर इक्विटी फंडिंग इक्विटी फंडिंग के लिए आपको जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एक्सेस कर पाते हैं अचीविंग रिड्यूस इंटरेस्ट रेट ऑन लॉन्ग टर्म लोन लोअरिंग द रिस्क एसोसिएटेड विथ क्रेडिट एंड एनेबलिंग फास्टर पेमेंट यही सबसे अच्छा आंसर है कि अगर आपका पैसा फँसा है तो आप उन बिल्स को गवर्नमेंट पोर्टल के पास ट्रेड्स पर जाके क्या कर सकते हैं डिस्काउंटिंग करा सकते हैं और इसीलिए ये आपको सुविधा दी गई है तो यहां पे जो सही आंसर हो गया वो आरबीआई ने लॉन्च किया ट्रेड्स ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम इन 2018 सो so जो ट्रेड्स का मेन ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस सप्लायर्स हैं इनको डिस्काउंट पर इनके बिल और इनवॉइस को फंड प्रोवाइड करता है और ट्रेड्स के थ्रू आप इजियर डिस्काउंट पर है ना चाहे वो आपका डिस्काउंट ऑफ बिल हो चाहे इनवाइस हो है ना आप मतलब ले पाते हैं ऋण चलिए अगला क्वेश्चन गुड ब्रांच एम्बियंस विल रिजल्ट इन द फॉलोइंग एडवांटेज फॉर आ बैंक किसी बैंक के अंदर जो ब्रांच का एम्बियंस है जो रूपरेखा है आउटलुक है वो कैसे मदद करती है यह आपको बताना है चलिए वो कैसे मदद करती है यह आप सभी को बताना है तो जो पहला है वो क्या है प्रमोट इफिशियंसी एंड स्मूथ फ्लो ऑफ सर्विस विच रिजल्ट इन टाइम बेनिफिट ठीक पहला ऑप्शन कह दिया उसने ठीक दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रॉपर प्लेसिंग ऑफ बेरियस सर्विस फैसलिटीज इनहेंस इंटरनल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस इम्प्लॉय आपस में बात कर पाए एक दूसरी सीट पर अगर काम है तो पहुंच पाए द कम्फर्टेबल एंड कॉगनियल वर्क एनवायरमेंट रिजल्ट इन हाई इम्प्लॉय मोटिवेशन तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द अबब होगा सही आंसर क्या होगा ऑल ऑफ द अबब विच ऑफ द फॉलिंग नॉन कंट्रोल बाय एन पी सी आई इन में से वो कौन सा है जिसको एन पी सी आई रेगुलेट नहीं करता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इनमें से कौन सी चीज़ को रेगुलेट नहीं करता है तो आप सभी को पता है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज़ द करेक्ट आंसर वाई बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एन और जो आर है इनको रेगुलेट कौन करता है डायरेक्टली आर कौन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सो आपका सही आंसर हो जाएगा डी अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है अगला क्वेश्चन क्या कहता है लॉस ड्यू टू इन एडुकेशी और फेलियर ऑफ सिस्टम प्रोसेस पीपल और ड्यू टू एक्सटर्नल इवेंट इज कॉल्ड सो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर अगर लॉस हो रहा है ड्यू टू इन एडुकेशी और फेलियर ऑफ सिस्टम सिस्टम फेल हो गया या फिर पीपल ऑफ पीपल और ड्यू टू इंटरनल इवेंट्स तो ये कौन सा रिस्क होगा ये आप सभी को बताना है तो so, इसे हम कहते हैं ऑपरेशनल रिस्क क्या कहते हैं दोस्तों ऑपरेशनल रिस्क जब इंटरनल रिस्क आता है तो उसे ऑपरेशनल रिस्क कहा जाता है तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है जो आपने लोन दिया अगर डिफॉल्ट हो जाए तो क्रेडिट रिस्क बिजनेस रिस्क क्या होता है मार्केट में जब इंटरेस्ट सॉरी मार्केट रिस्क क्या होता है जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज हो जाते हैं तो उसे हम मार्केट रिस्क कहते हैं और बिजनेस रिस्क क्या होता है कि जैसे फायर फ्लड अदर

ऑप्शन टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एंड सिटीज अब ये पॉइंट्स दिए गए हैं स्लम रिहेबिटेशन ऑफ स्लम डिवेलर विध पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स यूजिंग लैंड एज रिसोर्स सो प्रमोशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शन थ्रू क्रेडिट लिंक सब्सिडी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एंड सब्सिडी फॉर बेनिफिशरी लेट इंडिविजुअल्स हाउस कंस्ट्रक्शन और एनहेंसमेंट तो अब आपको यहां पे पहला क्वेश्चन पूछा गया सेंट्रल ग्रांट हाउ मच रुपीज पर हाउस ऑन एन एवरेज बिल बी अवेलेबल अंडर द रिहेबिटेशन प्रोग्राम स्लम रिहेबिटेशन प्रोग्राम के तहत केंद्र सरकार के द्वारा हर एक मकान पर कितनी मदद प्रोवाइड की जाती है तो आपका आंसर होना चाहिए एक लाख पर हाउस कितना होना चाहिए एक लाख रुपए पर हाउस ठीक है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कहता है अंडर द क्रेडिट लिंक इंटरेस्ट सब्सिडी कंपोनेंट वॉट विल बी द इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन हाउसिंग लोन अबिल्ड अपून ओर ऑफ फिफ्टीन ईयर विल बी प्रोवाइडेड फॉर ईड्लू एस और एल आई जी तो सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट का आपको क्या मिलेगा बेनिफिट मिलेगा चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट अगला क्वेश्चन क्या कहता है अगला देखिए यहाँ लिखा हुआ है ईडब्ल्यू एस और एल आई जी के लिए सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट है एम आई जी वन के लिए फोर परसेंट है एम आई जी टू के लिए थ्री परसेंट है ठीक है दोस्तों तो जो मैक्सिम सब्सिडी है लोन सब्सिडी छह लाख छह लाख नौ लाख बारह लाख ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं विच सेगमेंट ऑफ कस्टमर हैव द हाइय शेयर इन रिटेल बैंकिंग सबसे ज्यादा जो हाइएस्ट शेयर होता है वो किसके पास होता है मास मार्केट के पास किसके पास होता है दोस्तों मास मार्केट के पास सबसे ज्यादा हाइएस्ट शेयर होता है ठीक नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच सेगमेंट ऑफ कस्टमर ये तो हमने कर ही लिया है जुअल फॉर एजुकेशनल पर्प इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्स विदिम लिमिट ऑफ बीसिडर्ड एलिबिल एलिजिबल एस ए प्रॉर्टी सेक्टर तो आपको मैंने बीस लाख पहले ही पढ़ाया था कल ही पढ़ाया था अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है विच डिलीवरी चैनल इन रिटेल बैंकिंग इज प्रफर्ड बाय कन्वेंशनल पेंशनर्स और होम सेक कस्टमर तो ये लोग uh, जो कंजर्वेशनल लोग होते हैं पेंशनर बुजुर्ग लोग होते हैं होम से लोग होते हैं ये लोग ब्रांच से ही बैंकिंग करना पसंद करते हैं सो ये नियरेस्ट ब्रांच और एक्सटेंशन सेंटर पे जाएंगे जबकि हम और आप जैसे यूथ जो टेक्नोसेवी हैं वो वर्चुअल बैंकिंग का यूज करेंगे वर्चुअल मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग ए वगैरह का यूज करेंगे ठीक है दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सपोज सपोज यू हैव अबेल्ड अ लोन ऑफ रुपीज टेन लैख टू बिल्ड अडिंग इंस्टीट्यूशन अ लोन विद एन एनअल इंटरेस्ट रेट सेवन पॉइंट टू परसेंट ऑफ टेन ईयर तो आपको ई एम आई कैलकुलेट करनी है क्या करनी है आपको ई एम आई कैलकुलेट करनी है और इस लोन पे जो मंथली ई एम आई होगी वो ग्यारह हजार सात सौ चौदह होगी अब क्या ना सर आप शक्तिमान हो नहीं हमने जब क्वेश्चन बनाया तो इसको सोल्व किया कैसे सोल्व किया कि अगर आप देखोगे तो आपका जो फॉर्मूला है ई एम आई का फॉर्मूला है वो क्या कहता है पी इंटू आर इंटू वन प्लस आर आर की पावर एन ठीक है दोस्तों अपॉन वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन अगर आप ये फॉर्मूला सॉल्व कर ले गए तो आप अपना आंसर दे पाओगे अब पी आपका कितना है दस लाख पी आपका कितना है दस लाख है ठीक और आर आपका कितना है सेवन पॉइंट टू परसेंट आर आपका कितना है सेवन पॉइंट टू परसेंट और एन आपका कितना है दस ईयर है ना बस अब आपको वैल्यू रखनी है अब आपको क्या रखनी है वैल्यू सबसे पहले दस ईयर को किसको यानी एन को आप काय में बदल लोगे दस गुणे बारह यानी एक सौ बीस महीना हो गया आपका मंथ में क्योंकि मंथली ई निकालेंगे फिर अगर आप आर को किस में बदलेंगे ये तो एन आ, एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया है सो so, अब आपको क्या करना पड़ेगा सेवन पॉइंट टू परसेंट को ट्वेल्व इंटू हंड्रेड से बदलना पड़ेगा तो आपका आ जाएगा ठीक है दोस्तों बस अब ये वैल्यू आप रख दो तीनों चीज और आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ग्यारह हजार सात सौ चौदह रुपये मंथली ईएमआई आपकी बनेगी आई होप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा बिल्कुल आसान है कल मैम अपूर्वा मैम ने ये कहा था पूर्वा में सो so, आपके लिए न्यूमेरिकल है आप आसानी से कर सकते हैं so, मैंने इजी क्वेश्चन इसलिए रखा है जिससे कि आप कैलकुलेट कर पाए दूसरा फिर एक और न्यूमेरिकल है आप बैंक हैज नेट इनकम ऑफ टेन मिलियन दस मिलियन की नेट इनकम है एसेट्स का जो साइज है वो दो मिलियन है बैंक की जो कैपिटल है वो पचास मिलियन है ठीक अब आपको रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी इक्विटी से आपको कितना रिटर्न मिला तो मेरे हिसाब से ये बीस परसेंट आना चाहिए देख लेते हैं कितना आंसर सही है बीस परसेंट इज द करेक्ट आंसर सो सबसे पहले आपको रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आर ओ ई और ये मैंने आपको थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया है और यहाँ पे भी तो आर ओ ई का फॉर्मूला होता है जो आपकी नेट इनकम है नेट इनकम है नेट इनकम अपॉन बैंक एसेट्स ठीक है दोस्तों इनटू आपका जो बैंक एसेट है अपॉन बैंक कैपिटल अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे तो आपका जो फॉर्मूला है वो बैंक एसेट से बैंक एसेट कट जाएगा है ना तो आपका क्या बचा दस बटे पचास बचा दस बटे पचास आर और जब आर ओई दस बटे पचास बचा यानी बैंक एसेट्स कितने हैं बैंक एसेट्स टेन मिलियन के हैं ठीक सॉरी नेट इनकम कितनी है टेन मिलियन है और बैंक की कैपिटल कितनी है पचास मिलियन तो जब इसको भाग दोगे तो ये ट्वेंटी परसेंट के बराबर आ जाएगा ठीक है दोस्तों आई होप ये पॉइंट बिल्कुल सरल है आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे अब ये तो कर ही पाएंगे ना इससे इसको काट दिया तो नेट इनकम अपॉन बैंक कैपिटल बचा बस उसको सॉल्व कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मिस्टर अर्जुन एंड मिसेज मीरा ज्वाइंटली ओन अ प्रॉपर्टी विद डिफिन डिफिनेट सरटेनेबल शेयर यानी एक प्रॉपर्टी है जिसमें एक शेयर अर्जुन का है और एक मीरा का है द रिस्पेक्टिव शेयर इज सिक्सटी परसेंट एंड फोर्टी परसेंट ठीक ये अर्जुन है और ये मीरा है सो द एनुअल एनुअल ऑफ द प्रॉपर्टी इज रुपीज फाइव लैख अब पांच लाख रुपए इस प्रॉपर्टी से आपको वैल्यू मिल रही मिस्टर अर्जुन वो खुद रह रहे हैं अर्जुन क्या कर रहे हैं खुद इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं सो तो इनके पास कोई इनकम नहीं आएगी निल हो जाएगी सो तो पे पहले तो मिस्टर अर्जुन की इनकम हो गई निल क्योंकि खुद रह रहा है कोई किराया किराया आया नहीं लेकिन मीरा रह रही हैं इसको रेंट पे दे रखा है और मीरा ने अगर रेंट पे दे रखा है तो फोर्टी जो शेयर है उसको मीरा ने रेंट पे दे रखा है ठीक है दोस्तों अब आपको मीरा की इनकम निकालनी है तो अर्जुन की तो इनकम हो गई पहले ही समझ लो कि खुद रह पांच लाख रुपए कितनी आ रही है मतलब प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है पांच लाख अब इन्होंने बारह हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से रेंट पे दे रखा है तो बारह के हिसाब से एक लाख चवालीस हजार रुपए इनकी एनुअल इनकम हो गई ठीक है दोस्तों अब जो एनुअल इनकम हो गई और इसका जब भी रेंट पे दिया जाता है तो थर्टी परसेंट का इनको रिबेट मिलता है तो जो रिबेट वाला अमाउंट है वो फोर्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड हो गया दोस्तों अब इनको कुछ नहीं करना है जो इनका एक एक आठ सौ ये जो अमाउंट बचा इसमें से जब इसे घटाओगे तो ये अमाउंट बचेगा ठीक है सो so, ये मीरा की क्या होगी टैक्सेबल इनकम हो गई एक लाख आठ सौ रुपए ठीक है दोस्तों अब एक लाख चवालीस हजार को लेस करेंगे तो डिडक्शन जो तैतालीस हजार का है टैक्सेबल इनकम में वो एक लाख आठ हजार आ जाएगा तो अब जो मीरा की टैक्सेबल इनकम है वो एक लाख आठ हजार है और जो अर्जुन की टैक्सेबल इनकम है वो नील है आई होप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा बिल्कुल आसान है ये तो नील इसलिए हो गया क्योंकि अर्जुन उस प्रॉपर्टी में खुद रह रहे तो कोई कैलकुलेशन नहीं होती भाई जब किराया ही नहीं आ रहा बट मीरा ने अपनी प्रॉपर्टी जिसपे इनका चालीस परसेंट का हिस्सा है उन्होंने रेंट पे दे रखा है ठीक अब रेंट रिसीव फ्रॉम द टेनेंट तो बारह हजार रुपये पर मंथ मिल रहा तो इनका टोटल एनुअल जो रेंट है वो कितना आया? एक लाख चवालीस हजार रेंट पे थर्टी परसेंट का डिबेट मिलता है क्योंकि आपके खर्चे भी तो होते हैं उस रेंट पे सो आप एक लाख चवालीस हजार का जब थर्टी परसेंट निकालेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो तैतालीस हजार दो सौ आएगा बस एक लाख चवालीस हजार में से तैतालीस हजार दो सौ घटाएंगे तो एक लाख आठ सौ जो रुपया आएगा यही इनका टैक्सेबल अमाउंट होगा ठीक है दोस्तों चलिए मोहित परचेज आ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इन 2010 इन्होंने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 2010 में खरीदी पांच लाख रुपए की और इन्होंने 2022 में से आठ लाख रुपए का बेच दिया विद द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स सी आई आई फॉर द ईयर एक्विजीशन यानी जब खरीदा वो 200 था और जो बेचा तो 280 था अब आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन निकालना है अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन का फॉर्मूला आपको पता है तो आप आंसर निकाल पाएंगे कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन इनटू सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ सेल अपॉन सीआईआई फॉर द ईयर ऑफ परचेज सो कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन आपका पांच लाख रुपए था जब आपने खरीदी थी तो कितने में खरीदी थी पांच लाख रुपए में और कॉस्ट ऑफ जो जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है सेल का वो दो सौ अस्सी है और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है जो परचेस किया था वो दो सौ है बस इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी कितनी सात लाख रुपए और यही आपका सात लाख क्या हो जाएगा आंसर बट उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो फॉर्मूला होता है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना और ऊपर क्या आ जाएगा सीआईआई वाला है और सीआईआई नीचे आ जाएगा जो परचेस वाला है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अ पीस ऑफ ऑफ लैंड हैज एन एरिया 800 स्क्वायर मीटर एक जमीन है जो 800 स्क्वायर मीटर की है बिल्ड अप एरिया 500 स्क्वायर मीटर यानी जब उसको बनाया गया तो जो अंदर रहने लायक इलाका है वो 500 मीटर का है वो कितना है 500 मीटर का है द रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रुपीज सिक्स थाउजेंड पर स्क्वायर मीटर एक स्क्वायर मीटर पे बनाने की कॉस्ट है छह हजार रुपए एंड रेट ऑफ लैंड कॉस्ट इज थ्री थाउजेंड पर स्क्वायर मीटर रेट ऑफ लैंड कॉस्ट जमीन की कॉस्ट है तीन हजार रुपए पर स्क्वायर मीटर सो द परमिसेबल फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर द लैंड इज वन पॉइंट फाइव द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज टेन परसेंट ठीक है सो यूजेबल कॉरपोरेट एरिया इज़ फाइव हंड्रेड स्क्वायर मीटर मंथली रेंट ऑन दर्पोरेट एरिया इज बेस इज एट्टी पर स्क्वायर मीटर सो फाइंड द वैल्यू ऑफ सूटेबल एफ एस आई फ्लोर स्पेस इंडेक्स आपको निकालना है अब फ्लोर स्पेस इंडेक्स आप कैसे निकालोगे आंसर तो आएगा सात लाख उन सॉरी कितना आएगा सात लाख उनचास हज़ार नौ सौ सत्तर कैसे आएगा देखते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएगा 500 सौ चूँकि आठ सौ का प्लॉट है 500 आपका जो रिहायशी इलाका है तो 6000 पर स्क्वायर मीटर है तो ये आ गया आपका तीन लाख कितना आ गया कह सैकड़ा हज़ार दो लाख दस लाख तीस लाख और कॉस्ट ऑफ एफ जो यूज हुई है तीन हजार इंटू पाँच पंद्रह लाख आ गया अब टोटल कॉस्ट आपको जो पड़ी वो पैंतालीस लाख रुपए पड़ी ठीक है अब डिजायरेबल ईल्ड आपको टेन परसेंट का रिटर्न आ रहा तो पैंतालीस लाख का दस परसेंट हो जाएगा चार लाख पचास हज़ार एस्टिमेटेड ईल्ड क्या होगी भाई 500 स्क्वायर फीट है अस्सी रुपए पर स्क्वायर फीट आप ले रहे हो 12 महीने का जोड़ लो तो आपका आ जाएगा चार लाख अस्सी हज़ार अब यूजेब यूजल आउट गोइंग अगर आप देखोगे तो वन अपॉइन्ट सिक्स ऑफ ईल्ड तो आपका वन अपॉइंट सिक्स ऑफ फोर फोर लैख एट्टी थाउजेंड हो जाएगा तो अस्सी हज़ार नेट एनुअल ईल्ड कितना हो जाएगा अड़तालीस हज़ार चार लाख अस्सी हज़ार में से अस्सी हज़ार घटा दोगे तो चार लाख अब एम्बरेंस फैक्टर आपका क्या होगा नेट एनुअल ईल्ड अपॉन एस्टिमेटेड ईल्ड सो नेट एनुअल ईल्ड आपकी है चार लाख रुपए और एस्टिमेटेड ईल्ड है चार लाख अस्सी हजार रुपए तो आपका वैल्यू आ जाएगी पॉइंट एट थ्री थ्री अब यूजेबल ई को अगर आप निकालोगे तो 300 स्क्वायर फीट है जिसको आप यूज कर पा रहे हैं 800 में से सो वैल्यू ऑफ यूजेबल एफ एस आई तीन सौ थ्री थ्री इंटू थ्री थाउजेंड तो आपका जो वैल्यू आ जाएगा सात लाख उनचास हजार नौ सौ सत्तर आ जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन था तो so ये था क्रैश कोर्स सेवन में आपकी क्लास दोस्तों आई होप आपको समझ में आएंगे न्यूमेरिकल्स भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो so अब हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट मैराथन क्लास में सो so तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और जुड़े रहिए हमारे साथ जे ए आई आई बी सी आई बी वाला पर क्योंकि हमारा टारगेट है सिक्सटी प्लस मार्क्स इन रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट ठीक है दोस्तों सो थैंक यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में